पिछले कुछ समय से दुनिया भर में हिजाब को लेकर विवाद हो रहा है। कहीं हिजाब पहनने को लेकर महिलाएं विरोध कर रही हैं, तो कहीं पर हिजाब पहनने की इजाजत मांगी जा रही है। भारत में इन दिनों हिजाब को स्कूल में पहनने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका फैसला आ गया है। लेकिन फैसला सुनाने वाले दोनों जजों का मत अलग अलग है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला और दो जज एक दूसरे से सहमत क्यों नहीं हो पाए। सुनवाई करने वाले जजों का मत क्या है? हिजाब मामले पर सुनवाई करने वाले जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में कहा है, मेरे अनुसार हिजाब से बड़ा सवाल बच्चियों की शिक्षा का है। मेरी नजर में ये चॉइस या चयन का मामला है, ना तो इससे ज्यादा कुछ और ना ही इससे कम। मेरा नजरिया अलग है, मैं इन याचिकाओं को मंजूरी देता हूँ। इस मामले पर सुनवाई कर रहे दूसरे जज यानी जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमति जताई है और इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले से 11 सवाल पूछे। इसके बाद उन्होंने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि हमारे विचारों में भिन्नता है। क्या था कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला? कर्नाटक हाई कोर्ट ने माना था कि हिजाब इस्लाम धर्म में अनिवार्य धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके पक्ष और विपक्ष में कई दलीलें रखी गईं। इसी पर लगातार सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, देवदत्त कामत, राजीव धवन समेत कई वकीलों की ओर से दलील पेश करी गई। अब आगे क्या होगा? हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो फैसला आया है उसके अनुसार अब बड़ी बेंच इस पर फैसला करेगी। ये 3 जजों की बेंच होगी या 5 जजेस की बेंच होगी, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से किया जाएगा। वहीं अभी जो फैसला आया है उसके अनुसार कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला अभी लागू रहेगा, जबकि दूसरी बेंच इस मामले पर कोई फैसला नहीं कर लेती। हिजाब के विरोध में एक्ट्रेस ने उतारे कपड़े। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ईरान में हिजाब को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। वहां की महिलाएं अपने बाल काटकर हिजाब का विरोध कर रही हैं। इसका असर धीरे धीरे बाकी देशों में भी देखने को मिल रहा है। महिलाएं इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। यही नहीं, इस अभियान में ईरान की अभिनेत्री एलनाज नारुजी भी शामिल हुई। उन्होंने हिजाब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए कपड़े उतारे और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। तो ये थी हिजाब से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।